मई महीने की शुरुआत होते ही श्रीदेव ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। गर्मी का आलम यह है कि सुबह उठते ही घरों में लोगों के पसीने छूटने लग जाते हैं, जबकि बाजारों और चौराहों के हालात तो और भी ज्यादा खराब होने लगे हैं। इसी गर्मी के चलते लोग अब मौसमी बीमारियों से भी बीमार होने लगे हैं। अगर हम तापमान की बात करें तो उदयपुर में रविवार दोपहर का तापमान 43.4 डिग्री रहा, जिसने शहरवासियों की हालत खराब कर दी। लगातार दिन का तापमान बढ़ने से उल्टी, बुखार, मलेरिया और डिहाइड्रेशन के मरीजों की लंबी लंबी कतारें एमबी चिकित्सालय की आउटडोर यूनिट में दिखाई देने लगी है। ओपीडी में मरीजों की संख्या जहां पहले 300 रहती थी, वहीं अब यह संख्या 3 गुना तक पहुंच चुकी है। बड़ों के साथ ही यह बीमारियां बच्चों में भी तेजी से फैल रही है। बच्चों में इम्यूनिटी पावर कम होने की वजह से वे जल्द ही इन बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। इस संबंध में जब पलपल राजस्थान ने डॉक्टर राजवीर चंदेल, एसोसिएट प्रोफेसर शिशु रोग विभाग बाल चिकित्सालय से बात की, तो उन्होंने इन बीमारियों के लक्षण व बचाव के तरीके बताए। आइए आप भी सुनिए आखिर क्या कुछ कहा डॉक्टर राजवीर चंदेल। मैं बाल चिकित्सालय में शिशु रोग विभाग के अंदर एसोसिएट प्रोफेसर पे हूँ, पद पे हूँ। सर, गर्मी से किस तरह की बीमारियाँ चल रही है, किस तरह से बचाव किया जाना चाहिए? गर्मी का जो अभी जो मौसम है, इसके अंदर टेम्परेचर अपना काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, जो कि काफ़ी सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए काफ़ी इस लास्ट मंथ और इस मंथ में काफ़ी बढ़ने वाला है। और तो इसमें एक तो है लू लगना, जो कि सबसे बड़ी समस्या है, जिसकी जिसमें क्या कि शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो इसके लिए ये बचाव के लिए है कि अपन पानी, जो पेय पदार्थ हैं, पानी है, नारियल पानी है, छाछ है, इस तरह की चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा पिए और शरीर को ढक के रखे, और ज़रूरत नहीं हो तो घर से बाहर ना निकले, और घर पे अपना रूम का जो तापमान है वो आप मेंटेन करके रखें। जैसे कि भी फैन चला रखा है, कूलर है तो कूलर लगा के रखें, तो ये चीज़ें कर सकते हैं। सर, आमतौर पे देखा जाए तो अभी जो गर्मी बढ़ी है उसके साथ में मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है सर? बिल्कुल, अभी अपने जो ही गर्मी का तापमान या टेम्परेचर बढ़ा है, गर्मी का मौसम आया है, तो उसके बाद में जो हमारा जो ओपीडी पहले काफ़ी टाइम से जो कम चल रहा था, अचानक से मरीजों में काफ़ी संख्या में वृद्धि हुई है। और इन मरीज़ों में काफ़ी जो आ रहे हैं, एक तो ये दस्त वाले जो मरीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, और अभी वायरल बुखार, मलेरिया बुखार और जो टाइफॉइड बुखार वाले मरीज़ भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। नवजात शिशु में, क्योंकि जैसे शुरू शुरू के दिनों में, शुरू के जन्म के जस्ट बाद में, शुरू शुरू में माँ के भी दूध थोड़ा सा कम आता है, जो कि वैसे तो कोलेस्ट्रॉल होता है जो काफ़ी बच्चे के लिए सफिशिएंट मात्रा में होता है, लेकिन कई बार फिर भी बच्चा जो है दूध नहीं पी पाता, तो उसमें शरीर में पानी की मात्रा कमी हो जाती है, और जो कि उनके गुर्दों पर काफ़ी नुकसान पहुँचाती है। तो उसमें ये है कि माँ जो है वो बच्चे को बार बार दूध पिलाने की कोशिश करें, और उसका रूम का टेम्परेचर मेंटेन करें, और अगर फिर भी अगर कोई दिक्कत रह रही है तो वो चिकित्सक से अपना बच्चे को दिखा के और अपने को खुद को दिखा के परामर्श ले सकते हैं।